अगला अवार्ड जो मैं देना चाहूँगा, जबरदस्त लिरिक राइटर हैं, आज सारा जमाना इनके शब्दों के जाल पर ही नाच रहा है, आशुतोष तिवारी, जिन्होंने अपने शब्दों से पिरोया है इस शानदार गाने को। और आशु प्रियांशु की जोड़ी को क्या ही कह सकते हैं, इन्होंने आग लगा रखा है मार्केट में, शानदार काम। तो आशुतोष जी, कभी आप डॉल्फिन को मतलब पानी में डाल देते हैं फिर बाहर निकाल देते हैं, तो जरा कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंस को कि कैसे आपने 1 से शुरू किया और 3 तक सिलसिला आया। सबसे पहले तो जमशेदपुर की पूरी जनता को आशुतोष तिवारी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, और मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है आकर कि आप लोग इतना प्यार देते हैं इस आशु प्रियांशु की जोड़ी को, चाहे वो गाना किसी की आवाज में आए आप लोग सुपर हिट बनाते हैं उसको। जितने भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस हैं, सबको आप सबके छोटे भाई प्रियांशु सिंह का प्यार भरा नमस्कार, एक बार जोर से ताली बजाइएगा। और आज आगे तो फिर लाइटर आए, आज जमशेदपुर में मुझे आने का मौका मिला, आप लोगों के बीच खड़ा होकर बोलने का मौका मिला। स्पेशल थैंक्स बड़े भैया बद्री भैया को, लव यू भैया। और हम क्या ही बोल सकते हैं, सारे गामा कारवा से जितना मुझे प्यार मिला है आज तक, और हमेशा मैंने प्रयास किया है कि जब भी गाना मैं बनाऊँ सारेगामा हम भोजपुरी के लिए, तो कुछ डिफरेंट लाऊं, और आप लोग पसंद भी करते हैं बिल्कुल। जैसे नाच रे पत्थर की 1 को आप लोग इतना सारा प्यार दिए, नाच रे पत्थर की 2.0 को आप लोग इतना सारा प्यार दिए, और आज गाना आया है नाच रे पत्थर की 3, ये भी ट्रेंडिंग पे है, तो ये आप सबका प्यार, एक बार जोर से ताली हो जाए। और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार बरस रहा है, बड़े भैया कल्लू भैया हैं हमारे बीच, बद्री भैया हैं, और आज मुझे सम्मान मिला आप सबों के बीच, तो इस सम्मान का हकदार मैं नहीं, आप लोग हैं। और मैं विशेष आप लोगों के लिए कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद बहुत छोटा हूँ और हमेशा सीखता हूँ। और थैंक यू सो मच कल्लू भैया, बद्री भैया, कि आपने इस काबिल मुझे समझा। विक्रम सर नहीं है हमारे बीच, उनको भी दिल से लव यू, और हमेशा नए कॉन्सेप्ट के साथ आप मिलते हैं, बस इतना ही बोलेंगे। और